तरह से आप बूस्टर डोज की बात कर रहे थे, तो ये बूस्टर डोज क्या यहाँ से मिलेगी मिश्रा जी? क्या यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स हम कुछ देख सकते हैं? डेफिनेटली, अगर आप आउट ऑफ बॉक्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के सामने जो चैलेंज है और जो गवर्नमेंट की खूबी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के पैरामीटर पे ये बजट को प्रेजेंट करेंगे, जहां पे पर कैपिटा या एक पर इंडस्ट्री के हिसाब से आउटपुट भी बढ़ती जाए, ऑटोमेटिकली आपको महंगाई वगैरह और जो चैलेंजेस हैं वो कम होते जाए। देखिए, सरकार के सामने चुनौतियां क्या है, किसानों की आय को दुगना करने का या उनकी इनकम को बढ़ाने का था। हर आदमी को जो है कोरोना में रोजगार या उनके इनकम से कुछ न कुछ मार पड़ी हुई है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से करेगी कि जिनको मार पड़ी है, जो प्रॉब्लम में है, उनको कुछ न कुछ सहूलियत मिले, चाहे टैक्सेशन वगैरह में रिबेट दिया जाए, और इंडस्ट्रीज वगैरह या जहां से ज्यादा सोर्सेज होते हैं टैक्स को, उनको इनडायरेक्ट वे में टैक्सेस उनके ऊपर इम्पोज करके गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को भी पूरा करे राष्ट्रहित में। गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोड प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, उसके लिए भी धन जुटाना है। तो कॉमन पब्लिक को, जिनको मार पड़ी है कोरोना इन सब चीजों के कारण, उनको वो हो सकता है रिलैक्सेशन दे, और उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी धन जुटाने की व्यवस्था होगी। केवल घोषणाओं से कुछ नहीं होगा, कुछ करना भी होगा, तो क्या फिस्कल बर्डन जो मैं बात यहाँ पर कर रही थी उसके लिए तैयार है सरकार? नहीं, देखिए, बात केवल यहाँ घोषणाओं की नहीं है, सरकार ने बहुत ही सॉलिड स्टेप उठाए थे। अब मैं बोलता हूँ कि अगर आप बैठ जाइए, किसान को, खेती को जब मार्केट से क्लब करने की बात हुई थी, जो बिल आया था, और जब बात ये हुई थी कि एट पार हम इसको इंडस्ट्री करेंगे, तो आप करने नहीं देंगे, और फिर आप बाद में एक साल के बाद आप मांग करेंगे कि आप डबल करिए, आप उन प्रयासों को न करने देंगे न करेंगे, तो कहां से होगा? सरकार ने बहुत सॉलिड कदम उठाया था, और अब की बार भी सरकार इनडायरेक्ट वे में, भले ही कोई चाहे कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सरकार किसानों के पैरों को मजबूत बनाने के लिए कुछ न कुछ करेगी जरूर। एके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, एके मिश्रा साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा साहब, ये बजट 2022-23 जो यूनियन बजट पेश हुआ है, उन चुनौतियों के बीच जहां इन्फ्लेशन पर बात हो रही थी, बेरोजगारी पर बात हो रही थी, किस तरह से आंक रहे आप इस बजट को? क्योंकि देखिए, मिडिल क्लास को उम्मीद थी टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी, कॉरपोरेट टैक्स में थोड़ी राहत जरूर मिली है, बाकी मोर्चों पर भी किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बजट में गवर्नमेंट के सामने दो चुनौतियां हैं, स्पेशली भाजपा के साथ। पहली चीज, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोड इंफ्रा, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, डिफेंस वगैरह को, उसको सिक्योर करना, पैसा चाहिए। दूसरा ये होता है कि पैसा आएगा कहाँ से। तीसरा टास्क ये होता है कि जिसको लोक लुभावन बजट बोलते हैं, कि इमीडिएट बेनिफिट कॉमन पब्लिक को दिया जाए। ये तीन चैलेंजेस है इस बजट को अगर देखना होगा तो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी का, क्योंकि बजट भी इकोनॉमी का ही पार्ट है, एक सिस्टम है, उसको समझना पड़ेगा। एक जगह से गवर्नमेंट पैसा लेगी और दूसरे जगह उसको लगाना भी है। यही कारण है कि कॉमन पीपल के लिए जैसे टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है, ये चीजें ये बताती हैं कि गवर्नमेंट का फोकस सस्टेनेबल ग्रोथ पे है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से आप आउटपुट इतनी बढ़ा दीजिए, प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ा दीजिए कि पर कैपिटा जो है वो अपने आप सस्टेन होना शुरू हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़नी शुरू हो जाती है। एक एग्जांपल समझिए, आपकी इनकम अगर 10 लाख है तो आप चाहे 2-5% ज्यादा टैक्स रिबेट ले लीजिए, आप उसमें हल्के महसूस होने लगेंगे। या गवर्नमेंट ये करे कि आपकी इनकम को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दे, टैक्स में छूट ना दे, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, नेट इनकम बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट इसी मूड में है कि हम रिलैक्सेशन नहीं देंगे, लेकिन हम आपको ऐसी योजनाएं देंगे कि जो कि आपकी इनकम को बढ़ाएगी। ये पहली चीज हो गई जो बजट जिस प्रिंसिपल पे बना है, इकोनॉमी ऑफ स्केल के हिसाब से। दूसरी चीजें ये हो गई, फोकस यहाँ पे देखा जाए तो इमीडिएट बेनिफिट नहीं है। अगर इमीडिएट बेनिफिट है जरूरतमंदों के लिए, तो वो डिजिटलाइज करके डायरेक्ट जो है उन लोगों को दिया जा रहा है जिनको जरूरत है। आधार कार्ड वगैरह इन सब से लिंक करके रियल टाइम डाटा उनके पास है, एक्चुअल कंडीशन क्या है। बिचौलिए वगैरह का रास्ता साफ कर दिया गया है, चाहे वो कोई भी फील्ड रहा हो। तीसरी चीज ये है कि पहले बहुत सारी चीजें अधिकारी लोग मिलके करते थे, अब टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ड्रोन के थ्रू आपके खेत की मैपिंग होगी, किसी भी रोड की मैपिंग होगी, रियल टाइम एनालिसिस, और डाटा पहुंचता रहेगा, तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। तो प्रिंसिपल बेस्ड देखा जाए, जो फ्यूचरिस्टिक बजट होना चाहिए जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे भी पड़े। एक बार अगर कोई हाईवे एक्सप्रेस बन गया तो उसके रिजल्ट 100 साल तक आते रहते हैं, हर आदमी को बेनिफिट मिलता है। इस मामले में मैं बजट को बहुत सुंदर मानता हूँ। जिन लोगों की शिकायत ये है कि हमें इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिला, मैं ये बोलता हूँ एक बार राष्ट्र निर्माण हो जाने दीजिए, इमीडिएट की जगह छोड़िए, आपको आपकी पीढ़ियों तक को बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है सर,
ठीक है मिश्रा साहब, मैं वापस लौटूंगा कुछ सवालों के साथ, लेकिन फिलहाल